बिहार में नीतीश कुमार के शपथ की तारीख करीब करीब तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आज बीजेपी पर्यवेक्षकों की एक टीम भी पटना जा सकती है। नीतीश के नाम पर एक दिन पहले मोदी ने मुहर लगाई। वैसे मोदी से लेकर तमाम नेता पहले ही तय कर चुके हैं कि नीतीश ही नेता होंगे। नीतीश फिर से कमान संभालने को तैयार है। उधर बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात पर भी विचार हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। इसके लिए बैठकें हो रही हैं। बीजेपी ने इस बार जेडीयू से काफी ज्यादा सीटें जीती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। जश्न में शामिल होने के लिए भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी हेडक्वार्टर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिहार चुनाव में जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया। वहीं बिहार में नीतीश की अगुवाई में अच्छे भविष्य का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने महिलाओं को साइलेंट वोटर बताया और बीजेपी की जीत में अहम बताया। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। पीएम मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला किया। मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। भरी सभा में पीएम मोदी ने नड्डा के समर्थन में नारे लगवाए। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। जेपी नड्डा ने बिहार में एनडीए की जीत को विकास की जीत बताया। नड्डा ने कहा कि बिहार की जनता ने गुंडागर्दी को पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार में जीत को लेकर नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी को समर्थन के लिए धन्यवाद किया। वहीं जीत का श्रेय बिहार की जनता को दिया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एलजेपी ने करीब 25 से 30 सीटों का नुकसान किया। वहीं नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान को वोट कटवा कहकर अपनी भड़ास निकाली। महेश्वर का कहना था कि चिराग की वजह से करीब 45 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार चुनाव में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग पासवान की सफाई सामने आई है। चिराग ने कहा है कि उनका मकसद जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब रहे। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी को जीत दिलाने में भी उनकी पार्टी सफल रही। तो भैया, अगर मेरी कोई हैसियत नहीं तो आज आप परेशान क्यों हो रहे हैं कि मेरी वजह से आज आप 40 सीटें आप हार गए। लोक जनशक्ति पार्टी ने तो शुरू से हम लोगों ने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य है कि मैं भाजपा की मैं मदद करूं, मेरा लक्ष्य है कि जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होना चाहिए। बीजेपी की बिहार के बाद अब बंगाल पर नजर है। यहां बीजेपी की सीधी टक्कर ममता बनर्जी से होगी। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की जीत के जश्न के दौरान बिना नाम लिए बंगाल हिंसा को लेकर चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मौत के खेल से मत हासिल नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रह पूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी सुगबुगाहट पहले से ही तेज है। वैसे टीएमसी यही दावे कर रही है कि बिहार के नतीजों का कोई असर नहीं होगा। Fortunately, the electoral alliance and all this thing this matters. But today or tomorrow, the BJP has to go because the separatist politics, the people of Bengal and people of India do not approve.
टीएमसी का दावा चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार चुनाव नतीजों की धमक बंगाल में भी सुनाई दे रही है। बिहार की जीत से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। बीजेपी का अब सारा जोर बंगाल पर होगा। कई नेता पहले ही कई महीनों से बंगाल में तैयारी कर रहे हैं। बिहार की हार से टीएमसी का मनोबल गिरेगा। टीएमसी छोड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है। मिदनापुर में कल ही 45 अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल में बीजेपी को AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से चुनाव लड़ने से भी मदद मिलेगी। ओवैसी पहले ही बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इससे अल्पसंख्यक वोट बटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 12 नवंबर को भगवान राम के आने का उल्लास मनेगा तो 13 नवंबर को अयोध्या की राम की पैड़ी पर दीपोत्सव होगा। राम जन्मभूमि परिसर में पहली बार 4000 दीपक जलाए जाएंगे। वहीं राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान राम की पैड़ी पर राम मंदिर और महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते रेखा चित्र दिखाई देंगे। दीपावली के दिन पूरी अयोध्या को रोशनी से जगमगाने की तैयारी है। पंजाब में कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने मुसाफिर गाड़ी न चलने की चेतावनी दी है। वहीं पंजाब के किसान 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्पेशल बस तैयार की जा रही है। दिल्ली सरकार ने दिवाली के समय में मिठाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खोया मावा की बिक्री पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। कोविड-19 को लेकर बरती जाने वाली सावधानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर 1,30,000 खाद्य व्यवसाय संचालकों को जागरूकता सामग्री के साथ ईमेल भेजे गए हैं। अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की कई टीमों ने नकली खोए की बिक्री रोकने के लिए 5 जगहों पर छापेमारी की है। ड्रग्स मामले में एनसीबी फुल एक्शन में है। आज एक्टर अर्जुन रामपाल से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हो सकती है, जिसके लिए अर्जुन रामपाल को समन भेजा जा चुका है। कल एनसीबी अधिकारियों ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रेट से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। अर्जुन रामपाल के बंगले पर सर्च ऑपरेशन करने के बाद एनसीबी ने दोनों को समन भेजा था। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। सब कमेटी और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने की सहमति बनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीच गुर्जर आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। बैठक जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जहां 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। नोएडा में कोर्ट के आदेश पर वेब ग्रुप के 4 निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला वेब बिजनेस टावर 1 से जुड़ा हुआ है। ग्रुप ने इस पूरे मामले को शिकायतकर्ता के पारिवारिक विवाद का नतीजा बताया है। 2012 में नोएडा सेक्टर 25 में रहने वाले शिकायतकर्ता ने वेब ग्रुप में 50 लाख रुपए देकर ऑफिस स्पेस बुक कराया था, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। पीयूष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी में 8,593 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 85 लोगों की जान गई है। त्योहार की वजह से दिल्ली में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय केस भी 42,000 से ज्यादा हो गए हैं। कई नए इलाकों में कोरोना फैल चुका है। हाल ही है कि दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन की तादाद 4,000 को पार कर गई है। दिल्ली में संक्रमितों की तादाद का कुल आंकड़ा अब 4,59,000 से ज्यादा हो गया है। किसी भी एक दिन में मौत का आंकड़ा भी कल दूसरा सबसे ज्यादा रहा। अब तक दिल्ली में 7,228 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 4,10,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में रिकवरी की दर करीब 89% है। देश के लिहाज से ये कम है। सक्रिय मरीजों की दर दिल्ली में 9% से ज्यादा है और डेथ रेट भी 1.57% है। दिल्ली में करीब 25,000 कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से लगातार दी जा रही छूट को लेकर सवाल उठाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक तरफ दिल्ली में रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना को नियंत्रित करने के लिए नियम सख्त करने की बजाय लोगों को लगातार छूट दी जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना की वापसी हुई है। पूरे सूबे में कल 2,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से 450 अकेले जयपुर में ही है। राजस्थान में कुल मरीजों की तादाद 2,17,000 से ज्यादा है।
देश भर की बात करें तो एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। इस तरह से देश में कोरोना केसों की तादाद 86,36,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 1,27,571 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। देश में एक्टिव केस की तादाद 4,94,000 से ज्यादा है। अच्छी बात ये रही कि 44,000 नए केस आए तो इसके मुकाबले 50,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। दुनिया भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। ब्रिटेन में भी मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्रिटेन दुनिया का पांचवा ऐसा देश बन गया जहां मौतों की तादाद 50,000 के पार चली गई है। एक दिन में यहां करीब 600 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। यूरोप में कोरोना से मौतों के मामले में ब्रिटेन सबसे ऊपर है। यूपी के बाराबंकी नगर कोतवाली के सामने वकीलों और शहर कोतवाल के बीच आधे घंटे तक विवाद होता रहा। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत आ गई। करीब आधे घंटे तक सड़क पर हंगामा चला, जो बाद में हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। वकीलों ने हाईवे जाम करने की धमकी दे डाली। एसपी के निर्देश पर एसएसपी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद मामला शांत हुआ। जमशेदपुर में एक कलयुगी बेटे ने अपने सगे पिता की लाठी डंडे से पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद वो घर से फरार हो गया। गांव वालों के मुताबिक आरोपी ने 10 साल पहले अपने चाचा को जान से मार दिया था। इस मामले में उसे सजा भी हुई थी। हाल ही में वो जेल से छूटा था। जेल से निकलने के बाद से ही वो परिवार को तंग करता था। बागेश्वर के जंगलों में 15 दिन से लगातार आग लगी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। कांडा व गरुड़ के कई जंगल धधक रहे हैं। अब तक बारिश नहीं होने से जो जंगल बर्फ से ढके रहते थे, वहां आग धधक रही है। वन विभाग लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जंगल की आग पर काबू नहीं पाया गया। लगातार जल रहे जंगलों की वजह और समय पर बारिश नहीं होने की वजह से किसान भी परेशान हैं। नदी नालों में पानी का स्तर कम होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे गेहूं की खेती में देरी हो रही है। राजस्थान के धौलपुर में टेम्पो और बाइक में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 4 महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार से कर्मचारियों की लंबित मांगों की जल्द से जल्द समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की मांग है कि 2020 के मार्च का 16 दिन का वेतन अभी तक अटका है। असम के बोंगाई गांव में पेट्रोल पंप में लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां गाड़ी में तेल भराने आए लुटेरों ने स्टाफ पर हमला कर दिया। गाड़ी में कुल 8 लोग मौजूद थे। पेट्रोल पंप के स्टाफ को मारपीट कर गाड़ी में जबरन बिठाकर कुछ दूर ले गए। इस दौरान करीब 50,000 की लूट की बात सामने आई है। हांगकांग में 19 लोकतंत्र समर्थक विधायकों ने असेंबली से इस्तीफा दे दिया। चीन द्वारा लोकतंत्र समर्थक 4 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद विरोध में ये कदम उठाया गया। चीन ने अमेरिका से अपील की है कि ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ाना बंद करें। इसी महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर अमेरिका और ताइवान में बातचीत होनी है। टिकटॉक पर ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ बाइट डांस कंपनी ने अमेरिकी कोर्ट में अपील दायर की है। ट्रंप प्रशासन ने 14 अगस्त को बाइट डांस को 90 दिनों के अंदर टिकटॉक के संचालन से अलग होने का आदेश दिया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के खिलाफ एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को मिलकर काम करने की बात कही। एससीओ की बैठक में कहा, कोरोना के चलते सदस्य देशों की औसत आर्थिक गिरावट 3.2% होने तक का अनुमान है। लेबनान और इसराइल ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीमा विवाद के हल के लिए बातचीत शुरू की। दोनों देशों का भूमध्य सागर में कई सालों से सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान में विपक्षी नेता और पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा
मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी करार दिए गए। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों ने शरीफ और बेटे के खिलाफ आरोप लगाए थे। कोर्ट में दोनों ने खुद को बेकसूर बताया था। बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। बहरीन के शाही महल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 50 सालों से लगातार शेख खलीफा बहरीन के प्रधानमंत्री थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।